नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। आज इस मुख्तलिफ तरस के प्रोग्राम में मेरे पास एक तरफ तशरीफ रखते हैं जसवंत सिंह साहब, हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, साबका हिंदुस्तान के साबका डिफेंस मिनिस्टर, और मेरी दूसरी तरफ तशरीफ रखते हैं गौहर अयूब खान साहब, पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के साबका मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर और पाकिस्तान के नेशनल स्पीकर, असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। ये गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं कि दोनों शख्सियात का ताल्लुक हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में राइट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स से रहा है, लेकिन आज 2010 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फ्यूचर के ताल्लुक आपको ये दोनों किस तरह से देख रहे हैं, जो नए इश्यूज पैदा हो रहे हैं, खास करके वाटर के इशू पे भी मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात कर सकें। और डिस्कशन का आगाज उसी पॉइंट से करते हैं जहां से डिस्कशन हमारी खत्म हुई थी, रुकी थी। जसवंत सिंह साहब, स्टुअर्ट टैल्बर्ट का चूंकि बार बार फिर जिक्र करूंगा कि कहा जाता है कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का रिलेशनशिप का जो उसमें एक तरह से आप उसके एक आर्किटेक्ट हैं, ये सारी डिस्कशंस हुई, इसमें पाकिस्तान के बारे में क्या डिस्कशन हुई, स्टुअर्ट टैल्बर्ट के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का? काफी अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने बयान किया, वैसे वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद शायद आए थे वो उन दिनों में, अब वो पूरी उनका जो बयान है मैं रिपीट नहीं कर सकता, पर बराबर पाकिस्तान को लेकर के बातचीत होती थी, उनके जो ख्याल थे वो मुझे शेयर करते थे। मैं तब से उन्हें कॉशन कर रहा था कि पाकिस्तान पे इतना तवज्जो न देके आप अफगानिस्तान के बारे में सोचिए, मालिक कभी ना करे कि जो दिक्कतें हमें आती हैं वो आपको भी आनी पड़े। बट आई हैव एन एप्रिहेंशन दैट द पेरिल्स एंड द पैशंस ऑफ साउथ एशिया विल विजिट द अमेरिकन शोर्स। अब वो बाद में हो गया, डजंट डिलाइट मी, बट दैट्स अ रियलिटी। आपने कल एक चीज कही, आपने कहा कि किसी ने पूछा आपसे सवाल कि जो सब स्टम्बलिंग ब्लॉक है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो क्या है, और आपने कहा शेडो, शेडोज ऑफ हिस्ट्री। क्या आप भी अभी यही शेडोज हैं? आप आगे के सवाल नहीं पूछ रहे हम दोनों से, आप जो सवाल पूछ रहे हैं जो तवारीख है बीत गई है उसके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन आप दोनों की हिस्ट्री है ना, बीइंग द एक्स फॉरेन मिनिस्टर, बीइंग द एक्स फॉरेन मिनिस्टर। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, ये किताब मैंने लिखी है उसके बारे में भी मैंने कहा, ओनली टू चार्टर फॉर माई सेल्फ ए रूट फॉर द फ्यूचर। इफ यू कंटिन्यू टू लिव इन द शेडोज ऑफ हिस्ट्री then we will be condemning our two people to perpetual poverty, and I have a great apprehension that perhaps colonialism or colonization in a new form in this new century might visit us again. अच्छा, एक इशू आपने जो कि कहा कि फ्यूचर की बात करें, एक फ्यूचर का इशू जो है वो वाटर का इशू है। खान साहब से शुरू करते हैं। खान साहब, आप जो हैं, यू हैव बीन अ वाटर एंड पावर मिनिस्टर इन पाकिस्तान बिटवीन 1998 से लेकर 1999 नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। अब जो वाटर का क्राइसिस खड़ा हो रहा है इस वक्त बड़े सखीर में, इंडिया बीइंग अ वाटर स्ट्रेस कंट्री, पाकिस्तान बीइंग अ वाटर स्ट्रेस कंट्री, उसे आप कैसे देख रहे हैं? आई कम टू दैट, बट फर्दर डेवलप करता हूं जो जसवंत सिंह साहब को आपने क्वेश्चन किया। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.1 बिलियन, पाकिस्तान की 18 करोड़ की है, बांग्लादेश की भी है, श्रीलंका, ये सब जो उनसे हैं हाईली मोटिवेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग तकरीबन, और ये एक पावर हाउस बन सकता है अगर अमन हो। वी कैन आउटस्ट्रिप एनी कंट्री इन द नेक्स्ट 15-20 डेज अगर पीस हो इस इलाके में। हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें और ये एक इंडस्ट्रियल बूम होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी जो हमें सरपास कोई नहीं कर सकता। ट्रस्ट बिल्डअप करना एब्सोल्युटली, इट्स अ जायंट डायनमो ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। बट जसवंत सिंह साहब, इस एनर्जी बूम के लिए, इस इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए पानी चाहिए होगा, पावर चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। जब तक इंडिया और पाकिस्तान कॉपरेट नहीं कर सकते, कॉपरेट करिए। अगर कोई शिकायत है, पानी को लेकर शिकायत है, इंडस रिवर वाटर्स ट्रीटी का एक मैकेनिज्म है, बैठिए, और जब तक you don't find a solution, endeavor to find it. It is water stress. We are both very greatly water stressed countries. Pichle saal barsaat kam hui hai, monsoon kamzor raha hai, udhar bhi bahut kamzor raha hai, ho sakta hai. But there should be no violation of Indus waters treaty. Usme violation ki jagah nahi hai. But you must be aware ke India is making lots of dam on Chenab and also. आपको कोई शिकायत है? फेयर है पाकिस्तान में? आपके अप्रेंशन से रोक देगा, पानी रोक देगा? ऐसा कभी नहीं होगा, हो नहीं सकता, आउट ऑफ द क्वेश्चन। और अगर कोई अप्रिहेंशन है, इट इज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द एजेंसी दैट डील विद द इंडस रिवर वाटर्स टू सिट एंड सेटल द अप्रिहेंशन।
आपने नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन में एक आर्किटेक्ट माना जाता है जियां मोने, जिसका एक विजन था कि फ्रांस और जर्मनी जो है फ्रांस और जर्मनी का शेयर करें रिसोर्सेज। वी आर एन अनइक्वल्ड रीजन इन द वर्ल्ड। फ्रांस एंड जर्मनी का एग्जांपल देना हमारे लिए फार मोर एंशिएंट पीपल, फार मोर सिविलाइज पीपल, फार मोर केपेबल पीपल, वी विल फाइंड एन आंसर। हमको सबसे अहम जरूरत, मेरा मतलब था कि पानी को शेयर करने के ऊपर अगर हम क्या एक जॉइंट मैकेनिज्म खड़ा कर सकते हैं। इन सिल्वर वाटर जॉइंट मैकेनिज्म है, जॉइंटली एग्री। उसमें दो अलग अलग कमीशन है, एक इंडिया का है, एक पाकिस्तान का। नहीं तो अब तो आप उसकी डिटेल्स में जा रहे हैं। हमको जर्मनी और फ्रांस से कुछ नहीं सीखना, हम उनको सिखा सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आई नो द टाइम इज वेरी लेस। आपका बीइंग द एक्स हॉक इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बीइंग द हॉक इन इंडियन पॉलिटिक्स, नेवर बीन अ हॉक, यू नेवर बीन अ हॉक, एक परसेप्शन तो आपकी है मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं नहीं, वो गलत गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी। क्या विजन देंगे आप दोनों इंडिया पाकिस्तान के फ्यूचर रिलेशनशिप का? हम बात कर रहे हैं साल 2010 में। एक ही है, हम साथ मिलकर चलें। पंजाबी की एक कहावत है, मैं पंजाबी हूँ नहीं पर कई बार कहता हूँ, रोना भी साझा ते हंसना भी साझा, ये फ्यूचर है। ये राजपूत है, ठाकुर है, पाकिस्तान में मुसलमान राजपूत भी हैं, ये जितना सॉल्ट रेंज है जितना है, खून भी एक है, ओरिजिन्स भी एक हैं अक्सरियत के, हिस्ट्री भी एक है, शेयर्ड डेस्टिनी है पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। हमें अमन की तरफ जाना चाहिए और अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करें। बाद में हिस्ट्री में कहेंगे इनको जल्दी से हमने क्यों नहीं कर दिया, इतना लंबा क्यों किया, इतनी जगह क्यों लड़े, इतनी जाने क्यों ज़ाया हो। वो लीडरशिप को ब्लेम करेंगे कि ये चीज़ें हुई हैं। जिस तरह आपने फरमाया पानी के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो है 1960 को, जवाहरलाल नेहरू साहब आए थे कराची, उन्होंने वहाँ साइन किया था, वर्ल्ड बैंक भी सिग्नेटरी हैं उसके, और इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और रेजोल्यूशंस पे जाएं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर मैं देखता हूँ। योर लास्ट वर्ड? आई एग्री, दैट इज माई लास्ट वर्ड। जॉइंटली हम कदम हो करके अमन की तरफ चलें। जो रुकावटें आएंगी उन रुकावटों को हम रुकावटों की तरफ न देखें, एक निगाह अमन की तरफ रखें, वहीं चलते रहें। जसवंत सिंह साहब बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।